हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब बात बंगाल की करते हैं। बंगाल से इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर भी कार्रवाई की है। राहुल सिन्हा के प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगा दी गई है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के भड़काऊ बयान पर यह एक्शन इलेक्शन कमीशन द्वारा लिया गया है। उन्होंने कूच विहार फायरिंग कांड पर भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद 48 घंटे उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कूच विहार फायरिंग कांड पर जो भड़काऊ बयान बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दिया था, उस पर चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए राहुल सिन्हा के प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगा दी है। आपको बता दें कि यह एक्शन राहुल सिन्हा के उस बयान के मद्देनजर लिया गया है जो उन्होंने कूच विहार की फायरिंग पर दिया था, जो वहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ था उस पर जिस तरीके से बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का भड़काऊ बयान सामने आया था, उसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए उन पर 48 घंटे का चुनाव प्रचार का बैन लगा दिया है। सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, लगातार इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसले ले रहा है और जिस तरह के भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उस पर प्रत्याशियों और जो प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए उनके खिलाफ कड़ा एक्शन। आनंद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे इस बैन को लेकर सवाल पूछ रही हूँ जो बीजेपी नेता पर लगा है उनके भड़काऊ बयान के बाद। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस सुरभि संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जहां एक तरफ ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर भी चुनाव प्रचार 48 घंटे तक वो नहीं कर पाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है। तो कूच विहार फायरिंग कांड पर भड़काऊ बयानबाजी उन्होंने की थी और उसी के बाद चुनाव आयोग का ये फैसला। और अगर इस तरीके का कोई भी भड़काऊ बयान पश्चिम बंगाल में या चुनावी राज्यों में कोई दे रहा है, तो उसके बाद तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।